हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा डाउट का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, एक मिनट, ये रहा। हाँ, अब दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, एक बार देख लेते हैं। स्टेयर केस कंटेन्स थ्री स्टेप्स हैविंग हाइट 10 सेंटीमीटर ईच। इफ़ ईच आर टू 20 सेंटीमीटर वाइड, देन द मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ ए बॉल मूविंग ऑफ द अपर मार्क प्लेन सो एज टू हिट द लोएस्ट प्लेन डायरेक्टली इज। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा लैंग्वेज से और अच्छे से क्लियर करेंगे। स्टेयर केस वाला क्वेश्चन हमेशा आता है और बहुत, यहाँ पे 3 स्टेप्स, यहाँ पे 10 स्टेप्स हो जाएगा, यहाँ पे कुछ डायमेंशन बदलेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है, इसलिए इसको हम देखते हैं कि किस तरह से इस वाले क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ऑप्शन देख लेते हैं, 4 मीटर पर सेकेंड है, 2 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड और 0.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन में दिया हुआ था जो इन्फॉर्मेशन, उससे मैंने ये थोड़ा प्रोजेक्टाइल का ग्राफ बनाया है। देखो, ग्राफ नहीं, डायग्राम। यहाँ पे क्या है, ये हमारा सीढ़ी है। सीढ़ी के भाई ये हमारा क्या है, फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर से हम आए भाई, पहला स्टेप हमारा ये पड़ा, दूसरा स्टेप ये पड़ा, तीसरे स्टेप पर हम यहाँ आकर जो कि ग्राउंड फ्लोर से टच हो रहा है। ठीक है, 3 स्टेप की सीढ़ी है जो रहती है, थोड़ी बहुत जो छोटी बोती होती है वो वाली सीढ़ी है, तो मतलब कि वो स्टेयर है। तो यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है कि बॉल यहाँ से गिर रही है। ठीक है, पहली बात क्लियर होनी ज़रूरी है, ये पहली सीढ़ी यहाँ पे, दूसरी यहाँ पे, तीसरी यहाँ पे। ये नहीं है कि बॉल पहली सीढ़ी है, मतलब इसको पहली सीढ़ी मानोगे यहाँ से आप बॉल गिरोगे, ये नहीं है। ठीक है, इसी में बहुत बार दिक्कत हो जाती है बच्चों को, इसलिए मैंने ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी है, क्योंकि मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया। ये ग्राउंड फ्लोर हो गया, ये फर्स्ट फ्लोर हो गया। ठीक है, आगे बस समझ में। और ये हमें इसकी हाइट दे रखी है एक छोटी सीढ़ी की 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई है कितनी, 20 सेंटीमीटर। 3 सीढ़ी है हमारे, 3 स्टेप्स हैं सीढ़ी ने, 3 स्टेप्स हैं। ठीक है, हमें क्या बताना है कि मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमें इतनी देनी है भाई, जिससे कि जो ये थर्ड स्टेप है इस पर जस्ट पहुंच जाए। मतलब क्या, दूसरे स्टेप तक तो वो कंप्लीट है भाई, मिनिमम स्पीड बतानी है। तो दूसरे स्टेप पे अगर वो मान लो 10 पे पहुंच गया, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे कॉर्नर पे 10 पे पहुंच गया, मैंने उसको 10.0001 कुछ मीटर पर सेकेंड स्पीड दे दी, तो वो भाई क्या यहाँ नहीं आ जाएगा, और जैसे इसको स्किप करा तो सीधे इस पे ही टच करेगा, डायरेक्टली हिट करने वाला क्वेश्चन है। मिनिमम स्पीड पूछी है इसमें, ठीक है, मैक्सिमम इसमें कुछ भी हो सकती है, ये बात क्लियर है। ठीक है, चलो मैक्सिमम में क्या होगा, मैक्सिमम में एच पे चले जाएंगे अब इसके। ठीक है, जब एच पे आ जाएंगे तो हो जाएगी मैक्सिमम थर्ड स्टेप के लिए। अब ये बात क्लियर है, तो हमें अब क्या देखना है, सबसे पहले अगर मैं इसको देख लूँ, मैंने क्या किया, इधर एक्स मान लिया, इधर नीचे वाई बना लिया। ठीक है, ये बात क्लियर है। अगर मैं इसका अलॉन्ग एक्स और अलॉन्ग वाई कंपोनेंट्स लिख देता हूँ, अलॉन्ग एक्स और अलॉन्ग वाई, भाई आप इस तरह के क्वेश्चन हो उनको आराम से कंपोनेंट्स में तोड़ लें, अलॉन्ग एक्स और अलॉन्ग वाई। अगर मैं देखता हूँ अलॉन्ग एक्स में, तो यू एक्स मेरे पास वी है, जो हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन हमने मारी है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ही देनी है सिर्फ, और यू वाई हमारे पास 0 है। ठीक है, और क्या है हमारे पास, ये हाइट दे रखी है कितनी है, ये टोटल हाइट यहाँ से और यहाँ तक की कितनी हो जाएगी, दिख रहा होगा ये आपको कितनी हो गई, ये 10 और ये 10, 20 सेंटीमीटर्स, और ये यहाँ से और यहाँ तक की हाइट कितनी हो गई, ये विड्थ ये कितनी हो गई, 20, ये 20, ये 40 नहीं हो गई, 40 सेंटीमीटर्स हो गई। तो मैं कह सकता हूँ कि डेल वाई अगर मैं कहूँ तो क्या है, 20 सेंटीमीटर हो गई, डेल एक्स करते हैं यहाँ पे हम, डेल एक्स हो जाएगी 40 और डेल वाई हो गई हमारे पास 20 सेंटीमीटर्स। और क्या है, और जी तो हमारे साथ नीचे ही लगना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, एक्सेलरेशन तो इसमें एक्स में तो होता नहीं है, एक्स में तो 0 रहेगा, लेकिन इसमें होगा, लेकिन वो कितना होगा, जी के बराबर, जो कि हमारे पास 10 होगा। इतनी बातें क्लियर हैं, क्लियर है, ये हमारे पास किस में, ऐसा यूनिट में मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, यहाँ तक क्लियर होगा आपको अच्छे से। चलो, तो हमें क्या पता है, एक्सेलरेशन इसका 0 है, डेल एक्स हमें पता है और ये हमें पता है, तो इसमें लिख सकता हूँ सेकंड इक्वेशन से डेल एक्स इक्वल्स टू वी इंटू टी, लिख सकते नहीं लिख सकते, टाइम कुछ है, तो ऐसे ये हो गया 40 इक्वल्स टू वी इंटू टी, ये हमारी बन गई एक इक्वेशन। यहाँ से अगर मैं लिखता हूँ इसमें सेकंड इक्वेशन लगाते हैं, डेल वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यू वाई इंटू टी तो 0 हो गया, प्लस ऑफ हाफ एक्सेलरेशन है ना, जी इंटू में टी स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 20 इंटू 2 अपॉन जी इक्वल्स टू टी स्क्वायर हो गया। इसको जब सॉल्व करते हैं, 10 है, 10 से एक 0, ये ख़त्म हो गया, ये 4 बचा, तो टी की वैल्यू, एक मिनट, हाँ टी की वैल्यू कितनी हो गई, अगर आप देख सकते हो तो टी की वैल्यू मेरे पास यहाँ आएगी रूट ऑफ 4 जो कि 2 हो गई, 2 सेकंड्स हमारे पास टी आ गया। तो मैं क्या इसमें यहाँ फर्स्ट में डाल दूँ, डाल देते हैं, चलो ये हो जाएगा 40/2 इक्वल्स टू क्या, वी, तो वी कितना आ गया, ये हो गया हमारे पास 20 सेंटीमीटर पर सेकंड है, ये ध्यान रखने वाली बात है, एक मिनट, 20 सेंटीमीटर पर सेकंड होगा,
हाँ 20 सेंटीमीटर पर सेकंड ही। फ्रेंड्स यहाँ पे हमें थोड़ी सी मिस्टेक होगी, क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे मीटर में लिया है इसको जी को, तो मैं या तो इसको मीटर में कर लूँ या फिर इसको सेंटीमीटर में। इसको सेंटीमीटर में करूँगा तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर बाद में हम मीटर्स में कर लेंगे। लेकिन अगर ये भी कर सकते हैं इसको मैं क्या कर सकते हैं, हम 0.4 मीटर्स भी कर सकते हैं और इसको हम 0.2 मीटर्स भी। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात थी। तो सब आप मीटर्स में ही रखना आगे से। इस क्वेश्चन के बाद मैं भी मीटर्स में ही क्वेश्चन आगे सॉल्व करूँगा इस चैनल पर या फिर अपने जो भी एग्ज़ाम होंगे उनमें, ठीक है। तो 100 है तो 100 होगा यहाँ पे। अगर 100 होगा, एक 10 से एक गया तो एक 10 बच गया, बचा नहीं बचा। अगर 10 यहाँ से एक बच गया तो ये टी कितना हो गया, 4/10 बच गया। 4/10 नहीं हो जाएगा यहाँ पे, होगा बिल्कुल। तो टाइम हमारे पास कितना आ गया, अगर हम टाइम की बात करें तो टी स्क्वायर कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4/10। होगा नहीं होगा, होगा, ठीक है। फ्रेंड्स ये थोड़ी सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1000 होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक मीटर नहीं है, 10 मीटर है। तो ये 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, तो मैं 1000 कर देता हूँ। ये 1000 हो गया, एक जीरो से एक जीरो कट गई तो कितना बच गया, 44/100 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं टी की वैल्यू निकालता हूँ ये हो जाएगी 2/10 हो गई सेकेंड्स में। यहाँ से क्लियर है ये थोड़ा सा, बस ये इसमें क्या है, मैंने जो यूनिट थी ना और यूनिट में थोड़ा हो गया मुझसे, और तो वैसे क्वेश्चन बहुत ही अब आसान था, जो मैं समझाना वाला टॉपिक था वो हो गया इसमें। अब जो करने वाला है वो आराम से हो ही जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया टाइम। अब टाइम के बाद हमें क्या करना है, इसमें डाल देना है। तो मैं अगर इसमें टाइम डालूंगा तो ये हो जाएगा 40 × मैं 2/10 यहाँ पे हो जाएगा 10 यहाँ आ जाएगा। तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 2 × 20 हो गया तो 200 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये सेंटीमीटर में आई है। अगर मैं इसी को कहता हूँ तो ये वेलोसिटी आ जाएगी 2 मीटर पर सेकंड, और यही हमारा कोई ऑप्शन आ रहा था जो कि इसका आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से थोड़ा बहुत देख लेते हैं, क्या कुछ नहीं था, ऊपर वाला तो सिंपल था। यहाँ से क्या करना था, यहाँ से आपको ऐसे लेना, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी सेकंड स्टेप के लास्ट पे, इतने डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। आप क्या करेंगे, आपको ध्यान रखना है जब भी आपको सेंटीमीटर में दिया हो कुछ भी, अगर कोई और यूनिट में, तो उसको स्टैंडर्ड में करना है जो कि मीटर में होती है। मैंने मीटर में नहीं किया था तो देखो कितने इश्यू आए थे, बार बार मुझे चेंज करना पड़ा। मैं ध्यान नहीं रखा 10 है या तो 1000 हो जाएगा, क्योंकि 10 × 100 ये होते हैं हमारे पास कितने, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने सिर्फ 100 ले लिया, जबकि 10 था तो 10 से मल्टीप्लाई भी तो करना था 100 का, क्योंकि 1000 बनेगा, जिससे कि आगे दो इक्वेशन बनी और आराम से सॉल्व हो गया। बहुत इस तरह से क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना था इस वाले को। इसका आंसर आपका आ चुका है 2 मीटर पर सेकंड। दैट्स ऑल फॉर दिस डाउट क्वेश्चन। थोड़ा सा इस वीडियो लेंथी हो गई होगी, कोई नहीं, आगे से आप थोड़ी शॉर्ट वीडियोज भी मिलेंगे आपको, क्योंकि होता है कभी कभी कैलकुलेशंस में दिक्कत आ जाती है। लेकिन इससे एक बार सीखने को मिली है कि भाई अपनी स्टैंडर्ड यूनिट्स में ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत ईजिली हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सॉल्यूशन मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में। टिल देन बाय बाय।